शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज की विशेष रिपोर्ट पर। जोधपुर में इन दिनों नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम कांगो है। अब तक इसके दो नए मामले सामने आए हैं जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जयपुर से एक टीम बीकानेर और जोधपुर के लिए भेजी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण डेंगू के समान ही है। राजस्थान में पहले ही स्वाइन फ्लू, डेंगू और स्क्रब टाइफस से जूझ रहा है। पिछले साल स्वाइन फ्लू बीमारी से राजस्थान पहले स्थान पर रहा। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज भी संभव नहीं हो पाया। गुजरात में भी इस बीमारी के कई केस सामने आए। इसी के चलते राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी इस बीमारी को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांगो, ये बीमारी क्रीमिया और कांगो में सबसे पहले CCHF विषाणु पाया गया है। इसी कारण इस बीमारी का नाम कांगो रखा गया। इसके लक्षण डेंगू के समान ही है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को पहले सामान्य बुखार होता है और 3-4 दिन बाद नाक, आंख और मुंह से अचानक खून आने लगता है। ये जानवरों के माध्यम से फैलती हुई मानव तक पहुंचती है। अब इसका इलाज संभव उत्तराखंड में नहीं हो पाया है। रिवोवेरिन नामक दवा भी इसमें कारगर साबित नहीं हो पा रही है। जानवरों से अन्य बीमारियां भी फैल रही है। ब्रुसेलोसिस, ये बीमारी जानवरों से फैलती है। इसके लक्षण स्वाइन फ्लू के समान ही है जिसमें रोगी को तेज बुखार और जुखाम होता है, लेकिन ये बीमारी जानलेवा नहीं होती। इसका इलाज संभव है। ये ब्रुसेलोसिस जीनस ब्रुसेला बैक्टीरिया से फैलती है। राजस्थान में अब इसके अब तक 12 मरीज सामने आए हैं। स्क्रब टाइफस, ये बीमारी पिस्सू के काटने से फैलती है। इसमें रोगी को बुखार आता है। अब तक राज्य में इसके 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। अकेले जयपुर में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके मरीज ज्यादातर पहाड़ी